मौसम सुहाना हो और बाहर जाने का मन कर रहा हो तो क्यों लगता है ना कि घर में ही कुछ क्रिस्पी सा बना लिया जाए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाती हूँ, जो कि खाने में भी लाजवाब और बहुत जल्दी बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल ही टेस्ट आएगा आपको जो रेस्टोरेंट में आता है। चलिए बनाते हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने ये स्वीट कॉर्न लिए हैं। ये स्वीट कॉर्न मेरे फ्रोजन वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो जो नॉर्मल जो भुट्टे आते हैं उसके दाने भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने ये फ्रोजन लिए हैं। और करीब ये 2 कप के अबाउट ये स्वीट कॉर्न है। अब मैं इनको बॉयल करूँगी। बॉयल करने के लिए मैं एक पैन रखूँगी गैस पर। ये मैंने पैन रख दिया गैस पर, उसको चालू करूँगी। ये करीब मैं 2.5 से 3 कप पानी इसमें चढ़ाऊँगी बॉयल करने के लिए। और ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें जब हल्का सा बॉयल आ जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब मैं स्वीट कॉर्न को इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। ये पानी हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें सारी जो भी स्वीट कॉर्न है इसमें डाल दूँगी। करीब 4 से 5 मिनट तक इनको मैं बॉयल करूँगी, जिससे कि ये फ्लफी हो जाए। इनको बॉईल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें स्वीट कॉर्न क्रिस्पी बनाना है, अंदर से सॉफ्ट रहे, बाहर से क्रिस्पीनेस आएगी, तभी इसका खाने का मज़ा आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेंगे, अंदर से सॉफ्ट एंड बाहर से क्रिस्पी। अब करीब करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं इनको बॉईल होते हुए। और देखिए ये बिल्कुल हमें जिस तरह की चाहिए उस तरह का, देखिए फूल के कितना मोटा हो गया है, ये इस तरह की हमें चाहिए सॉफ्ट बिल्कुल। अब हम इनको गैस बंद करेंगे। अब ये स्टेन हो गए हैं। अब इनको हम करीब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे, जिससे कि हम इसकी सीजनिंग कर सकें अच्छे से। इसको ठंडा होने के लिए, इनको कोटिंग करना है हमें, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो जब तक हम कोटिंग करेंगे, मैं इसमें ऑयल, मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, मैं इसमें ऑयल गर्म करने के लिए रख देती हूँ। ये मैंने ऑयल चढ़ा दिया। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग में सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने यहाँ पे, आप अरारोट भी डाल सकते हैं, बट मैंने ये कॉर्नफ्लोर डाला है। और 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा हम इसलिए डालते हैं कि इससे ये इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है। इसको हमें अच्छे से इस तरह से मिलाना है जब तक कि ये अच्छे से कोट ना हो जाए। बिल्कुल इस तरह हमें इसको मिलाते रहना है अच्छे से, ये बिल्कुल कोट ना हो जाए जब तक। अभी तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, पर अगर आपको ऐसे स्टेज पे लगे कि ये हमारा ज़्यादा पाउडरी हो रहा है तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो पूरा हमारा ऑयल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा बाइंड करने के लिए, बट मेरे को लग रहा है कि मैं अभी तो कर रही हूँ इसको, मेरे थोड़ा ये मेरे को लग रहा है पाउडरी हो रहा है थोड़ा सा, तो इसमें मैं 1 चम्मच पानी डालती हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है बिल्कुल भी, नहीं तो सब चिपक जाएंगे आपस में। बस सिर्फ 1 स्पून डालना है, इससे सारी कोटिंग अच्छे से हो जाएगी और बिल्कुल जो पाउडर है इसका वो निकल जाएगा। अब हमें मिलाना है इसमें नमक, 1/2 टीस्पून नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च इसलिए कि इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में, कलरफुल हो जाएंगे थोड़े से। बस इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। इसको करीब हमें 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, जो सारे ये कॉर्न हैं वो अच्छे से कोट हो जाए, मैरिनेट हो जाए। इसके लिए हमें इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तेल हमारा गरम हो चुका है, हमें ये बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, क्योंकि तेज़ गरम पे कॉर्न अगर डालते हैं तो उछटते हैं और जलने का डर रहता है। इसलिए इसको लो फ्लेम पे ही तलेंगे और इसको थोड़े थोड़े करके हम ऐसे डालेंगे। अभी हम इसमें कॉर्न डालेंगे। गैस हमारी लो है और इस तरह से इसमें डालेंगे कॉर्न।
मैंने सारे कॉर्न डाल दिए हैं इसमें और इसको लो फ्लेम पे ही तलाएंगे, जिससे कि अच्छे से ब्राउन हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से हो जाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप खाएंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये रेस्टोरेंट के हैं या हाथ के बने हैं। घर में बनाइए, मज़े से खाइए। अभी बिल्कुल ब्राउन होने तक मैंने तलना, देखिए बिल्कुल भी नहीं उठता ना, एक भी नहीं फूटा हमारा ये। अगर हम इसको तेज फ्लेम पे डालते तो फूट जाते हैं और जलने का डर भी रहता है। देखिए अभी ये ब्राउन हो गए हैं हमारे, मेरे को लग रहा ऑलमोस्ट हो चुके हैं ये। बिल्कुल मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसको डीप फ्राई किया हुआ है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। खाएंगे तो बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी एंड अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लगेंगे। अभी हम इसमें जब सीजनिंग करेंगे, इसकी मसाला डालेंगे, आप बिल्कुल बता ही नहीं पाएंगे कि ये मैंने घर में बनाए हैं या हम रेस्टोरेंट से लेके आए हैं या खा रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के। है ना, कितने कुरकुरे देखिए, क्रंची, कितने क्रंची हैं एकदम से। इसको आपको आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी। अब हम इसमें मसाला मिलाते हैं, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च। इसमें हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट का एक अलग ही फ्लेवर होता है। सारे स्नैक्स में अगर आप ब्लैक सॉल्ट डालेंगे बिल्कुल अलग फ्लेवर होता है इसका और बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम सारे पहले भी डाल चुके हैं इसलिए हम कम ही डालेंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए है ना मज़ेदार, बढ़िया बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, देखने में बहुत अच्छी लगती है और प्याज का भी एक अलग फ्लेवर आएगा। इस स्टेज पे डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस, नींबू का रस हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, थोड़ा सा नींबू का रस। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग के लिए मैंने ये एक प्लेटर लिया है, इसमें मैं सारे ये सब ट्रांसफर कर दूँगी। इसमें देखिए आ रही है ना आवाज़, कितने क्रिस्पी हैं कि इसको मैं सर्व कर रही हूँ तो इसमें भी इसकी आवाज़ आ रही है। मैंने इसको प्याज और नींबू से गार्निश कर दिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च मैं ऊपर से डाल देती हूँ, इससे और अच्छा लगेगा, थोड़ी सी कटी हुई अनियन। बस खाने के लिए रेडी है, खाइए। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको सारे नए वीडियोज़ मेरे मिलते रहें। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है मेरा ये स्वीट कॉर्न क्रिस्पी।